यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियों के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान चला रखा है और तो और भूमाफियों के चंगुल में फंसी धूल से छुटकारा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी दावा रखती है, लेकिन यह दावा जनपद मैनपुरी में बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहा है। यहां पीड़ितों की जमीन को छुटकारा दिलाने के नाम पर राजस्व विभाग लाखों रुपए की सुविधा शुल्क मांगी जा रही है, जिसके चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पोर्टल से शिकायत की है और जिले के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत जनपद मैनपुरी के कोतवाली कुरावली क्षेत्र में देखने को मिला है। कस्बा कुरावली के मोहल्ला घनासपुर निवासी रविकेश वर्मा की पैतृक जमीन नेशनल हाईवे जीटी रोड के किनारे मौजूद है, जिस पर आरोपी बाहर से आए रंजीत हॉल निवासी संत नगर ने दबंग सहयोगियों की मदद से कई वर्ष पूर्व होटल खोलकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने अपनी जमीन को दबंगों के चंगुल से निकालने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे पोर्टल पर दर्ज कराते हुए जनपद के आला अधिकारियों से की। बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आरोप है कि तहसील कुरवाली में बैठे राजस्व कर्मचारियों ने जमीन से छुटकारा दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की है। पीड़ित गरीब होने के कारण वह 1.5 लाख की धनराशि नहीं जुटा पाया, जिसके चलते दबंगों के चंगुल में उसकी 1.5 बीघा भूमि आज भी फंसी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियों के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान फेल होते हुए नजर आ रहा है, जिससे आज भी जनपद मैनपुरी में कई पीड़ित अपनी भूमिका पर कब्जा लेने से वंचित है। इस संबंध में जिला अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। देखिए मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। सर आपका? रविकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले भैया? मोहल्ला घरनाजपुर तहसील कुरावली। आज जिला अधिकारी से एक शिकायत पत्र लेकर आए हो, क्या पूरा मामला क्या है? मैटर यह है सर, हमारी पैतृक जमीन है और कई वर्षों से दबंग लोग जो है हमारे आगे आगे की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। हम जब भी खाली कराने को जाते हैं तो वहाँ पर हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। हमने तहसील स्तर पर भी कई एप्लीकेशन लगाई लेकिन उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं मिला और वहाँ कह दिया जाता है कि आपसे इतना रुपया लगेगा, उसके बाद ही आपकी तुरंत जमीन खाली हो जाएगी। कितना रुपया बताते हैं? कौन बताता है रुपया लेने की बात करता है? तहसील स्तर पर जो भी अधिकारी लोग हैं सभी कहते हैं। लेखपाल कानून को वगैरह? हाँ जी। क्या कहते हैं, कितना रुपया मांगते हैं? लगभग 1.5 लाख रुपया मांगते हैं हमसे और 1.5 लाख रुपया हमारी कुबत रही है जो हम दे पाए उन्हें। अच्छा, आपकी जमीन क्या रोड के किनारे है? क्या रोड के किनारे है? संत नगर जीटी रोड पर ही है, बिल्कुल फ्रंट में ही। तो वो किसके कब्जे में, क्या नाम है उस व्यक्ति का? रंजीत नाम का व्यक्ति है, उसको मोहरा बना करके लोगों ने, कुछ बैक में लोग हैं उन्होंने बैठा रखा है उसको। अच्छा, क्या करता है रंजीत? रंजीत होटल करता है वहाँ पर और होटल उसका, जब हमारा होटल था तो वो जो एनएच में चला गया था, फिर उसने क्या काम किया कि हमारी जमीन में जा करके वहाँ पर भट्टी अपनी लगा ली फिर, और उसके बाद जो है हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन में क्यों लगा दिया, तो वो दबंगई दिखाता है, गुंडागर्दी। लोग आपकी ही भूमि पर उसने होटल भी खोल रखा है क्या? हाँ, उस पर जो है भट्टी बना रखी है उसने। अच्छा, कब्जा नहीं छोड़ रहा है? कब्जा कैसे भी नहीं छोड़ रहा है, मैंने पूरा प्रयास किया बहुत दिनों से। तो राजस्व विभाग जो है 1.5 लाख रुपए? जी, नरेन बाबू है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम साफ पार्ट्स का काम करते हैं, यहाँ से 70 साल हो गए हैं। काय का काम करते हो? पार्ट्स का काम करते हैं, ऑटो पार्ट्स। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? रावली के रहने वाले हैं जी सर। अच्छा। हाँ, आरोप है कि आपने किसी की जमीन को कब्जा कर रखा? जी सर, मैंने किसी का कोई जमीन का ना कब्जा है, ये यहाँ से 50 साल से यहाँ पर हो रहे हैं। इसका इनके खिलाफ था एक इनके रंजीत सिंह और उनके खिलाफ एक जजमेंट हो गया जिसमें ये सब उससे हार गए। अच्छा, ये हार पहले? हाँ, उससे पहले सब मंदिर का जजमेंट है और नहीं, मंदिर के नाम पे तो कब्जा किए जाते हैं, वो तो बात अलग नहीं है। वो मंदिर का जजमेंट है, इससे पहले इनकी पार्टी जिन्होंने माल खरीदा था उससे पहले उनके आरोप ये आता है कि जो ना रंजीत और उनके साथी लोग जो ना गुंडागर्दी करते हुए जो है। जी सर, कोई गुंडागर्दी नहीं होती नहीं, तो अभी आप झगड़ रहे थे तो अभी आप झगड़ रहे थे ऐसे जब आप मीडिया के सामने झगड़ रहे हो? जी सर, ये देखो तो ये तो गलत बात है ना। नहीं, लड़ते झगड़ते गई है। जी सर, यहाँ पर मतलब ऐसा हुआ था कि इनको हुआ था, इनके सारे पांचों भाई इकट्ठे आए हुए थे, ये नहीं यहाँ पर खोद रहे थे मंदिर की तरह, तो साहब इनके माँ हुआ था यहाँ के साहब, उनसे प्रधान जी सर के साथ बुला लीजिएगा सर हैं, और उनसे पूछ लीजिएगा, इनको लड़के की कसम धर के कर पूछ लीजिएगा, इन्होंने अपनी नहीं भरी थी और इनका इनका हमारा समझौता हो गया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।